Welcome back to my channel, and today we are learning Classane painting. This is a wooden board or is permane already a design ready karke rakha hai, trace karke. To ye hai isme wire and sticking agent and scissor. Ye aapko isme use karna hai. To ye aapko jo flat wire hai ye aapko Amazon se mil jayega, isko aapko isme stick karna hai. अभी मैंने ऑलरेडी स्टिक कर दिया है. अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसको डायरेक्टली स्टिक करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो व्हाट यू कैन डू इज़ अपना जो आपका पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, उस पर आप वायर को रखें और उसका जितना साइज़ आपको चाहिए उतना आप कट करो. ये वायर इजीली कट हो जाती है, इसको प्रेस करने से हो जाती है, इवन सीजर इज़ नॉट रिक्वायर्ड. प्रेस करके फिर उस को आप उसमें डायरेक्टली बोर्ड पर स्टिक कर सकते हैं. तो ये मैंने ऐसे ही किया. नाउ आफ्टर द sticking the wire, we are going to use glass colors and resin. Epoxy resin का एक वो मैंने solution बना दिया है और अब इसमें मैं add करूँगी glass colors. Actually इसमें originally enamel paint use होता है, मगर ये मैंने इसमें I have given it a new try और मैं ये इसमें use करने वाली हूँ some ग्लास कलर पेंट्स. तो आपको क्या करना है, रेजन का सॉल्यूशन कैसे बनाना है, एपॉक्सी रेजन का, वो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हो, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं उस पर. अब मैं इसको पूरे पेंटिंग को जो है मैं फिल करने वाली हूँ एपॉक्सी रेजन से और उसमें मैं ड्रॉप करूँगी सम ग्लिटर पाउडर, सम डिफरेंट एक्रेलिक कलर्स. वैसे मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया नहीं था, बट आई जस्ट केप्ट इट एंड सम ग्लास कलर्स. तो ग्लास कलर्स आपको मिक्स नहीं करना है इसमें, आप डायरेक्टली पहले थोड़ा सा वाइट ट्रांसपेरेंट एपॉक्सी रेजिन का सॉल्यूशन उसमें डालोगे और डालने के बाद आपको कहीं कहीं पे जो है ये ग्लास कलर्स को ड्रॉप करना है. मैंने पहले इसमें थोड़ा सा ग्लिटर पाउडर ड्रॉप करा, उसके बाद मैंने ग्लास कलर्स को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, तो वो अपने आप ही मिक्स हो जाता है, अपने आप ही स्प्रेड हो जाता है. आपको यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन कि व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट मिक्स अप. इट मिक्सेस अप वेरी वेल, यू कैन सी दिस. ये अभी हुआ नहीं है बट ये बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गया था. मैंने इसमें एक गलती करी है कि मैंने इसके बॉर्डर पे पेंटिंग के चारों तरफ से मैं फ्लैट वायर लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से जब ये ड्राई हो रहा था तो सेंटर का जितना भी रेजिन था मिक्स्ड विद कलर वो स्प्रेड होकर के साइड से नीचे गिर गया था. तो इसीलिए जो सेंटर जो पेंटिंग है वो थोड़ी सी लाइट कलर में आ गई है. देखो आप, ये साइड से नीचे गिर गया है. तो व्हेन इट इज़ गोइंग टू ड्राई दैट टाइम आई विल शो यू द प्रॉपर इमेज ऑफ हाउ इट गॉट स्प्रेड ऑल ओवर द पेपर जो मैंने इसके नीचे न्यूज़पेपर लगाया था. तो वैसे तो ये अभी रेडी हो गई है और रेडी होकर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बट आई विल जस्ट शो यू द रिवर्स ऑफ हाउ इट हैड हैपेंड. तो ये सूखने के बाद ऐसा लग रहा है बहुत ब्यूटीफुल सा, मगर एक्चुअली ये और ब्यूटीफुल लगता अगर ये चारों तरफ से मैं इसको वायर लगा के इसको कंट्रोल्ड कलर को अंदर कंट्रोल करके रखती. तो आप भी ट्राई करो. आई रियली एन्जॉयड दिस आर्ट. इफ़ यू ट्राई एंड एन्जॉय, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर.